स्टूडेंट्स, हम टॉपिक कवर कर रहे हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखिए, इसमें हम आज और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट पर डिपेंड। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, शॉर्ट में लिख सकते हैं कोफिशिएंट के लिए, ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर थ्री। सॉल्यूशन इसका जिसका हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है उसको हम वाई लेट कर लेते हैं। फंक्शन ये है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर थ्री, तो हमने इसको क्या माना, लेट किया, लेट वाई। अब हम इसका डिफरेंशियल, सॉरी, डिफरेंशियल करने से पहले हम इसको उस फॉर्म में चेंज करें जिस फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूले हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट के। देखिए, हमारे पास एक्स की पावर एन का फॉर्मूला है क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि एक्स ही एक फंक्शन है, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला ही हम यूज कर पाएंगे इसमें। इसके लिए हमें इसका होल क्यूब एक्सपेंड करना होगा। हम फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, ए प्लस वी का होल क्यूब क्या होता है, ए की पावर क्यूब यानी ए की पावर थ्री प्लस वी की पावर थ्री, थ्री इंटू ए वी ब्रैकेट में ए प्लस वी। तो यहाँ भी आप देखिए x a की जगह पर x है, p की जगह पर 1 अपॉन x। तो इस फॉर्मूले में हम जहाँ जहाँ x a है वहाँ x लिखेंगे, जहाँ b है वहाँ ये 1 अपॉन x। देखना, x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस 3 इंटू, क्योंकि ए की पावर थ्री है, बी की पावर थ्री है, हमें भी इन पर दोनों पर पावर अप्लाई करनी होगी, थ्री इंटू ए बी। देखिए, ए एक्स इंटू बी वन अपॉन एक्स ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी कि ए मीन्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो इसमें हमने होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। अब क्या करेंगे कि सबको x की पावर n की फॉर्म में चेंज करेंगे, जैसे कि x की पावर 3 ये है, x की पावर 3 हम ऊपर लाएं, माइनस का 3 हो जाएगा, ऊपर मींस न्यूमरेटर में लाएं, x से कैंसिल हो गया, 3 रहा, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं x में, 3x, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी 3 और ये x ऊपर जाएगा x की पावर माइनस। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बाई फंक्शन था इसकी फॉर्म चेंज कर दी हमने और ऐसी फॉर्म में ला दिया इसको जिसमें हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, x की पावर n, x की पावर n, x की पावर n, तीनों में हम x की, चारों में x की पावर n का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। देखिए, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर थ्री, यहाँ हमारे पास चार टर्म हैं, चारों टर्म सेपरेट सेपरेट हैं,
हमें चारों का डिफरेंशियल सेपरेट ही करना होगा, ये हम जानते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पीछे वीडियोस में हमने सॉल्व किए। 3, ये 3 बाहर क्यों किया है डिफरेंशियल से? क्योंकि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशियल नहीं होता है। अगर कोई भी कांस्टेंट किसी फंक्शन की मल्टीप्लाई में हो, यानी गुणा में हो, तो उसको हम बाहर कर देते हैं डिफरेंशियल से। देखिए फॉर्मूला क्या है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये फॉर्मूला हमने बहुत यूज किया है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ये फॉर्मूला यूज करें इसमें, ये लिख देते हैं वाई फॉर्मूला दिस, देयरफॉर dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए यहाँ यूज करेंगे n, यहाँ पर क्या है 3, 3 x की पावर 3 माइनस वन। यहाँ पर भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे, एन एक्स की एन माइनस वन, यहाँ एन है माइनस का 3, एक्स की पावर माइनस 3 माइनस वन प्लस 3 एक्स, एक्स का डिफरेंशियल हमने डायरेक्ट बताया वन होता है, यहाँ एन क्या है माइनस वन, प्लस का 3 ये हो गया, यहाँ आएगा माइनस वन, एक्स की पावर माइनस वन माइनस वन। फॉर्मूला क्या है, एन माइनस वन, एन क्या है माइनस वन, तो माइनस वन एक्स की माइनस वन माइनस वन। 3 एक्स की पावर कितनी होगी, 2, 3 माइनस वन 2 होता है, 3 एक्स की पावर कितनी हो गई माइनस फोर, क्योंकि माइनस 3 माइनस वन कितना होता है माइनस फोर, प्लस 3, 3 की माइनस वन में मल्टीप्लाई माइनस होगा, एक्स की पावर कितना हो, एक्स की पावर कितनी हो गई माइनस वन माइनस वन माइनस 2। तो इतना और कर सकते हैं हम, 3 एक्स स्क्वायर, ये जो माइनस की पावर है हम इसको डिवाइड में ले जाएं तो पावर प्लस की हो जाएगी, और प्लस की होती है तो न्यूमरेटर में लाएं यानी ऊपर लाएं तो माइनस हो जाती है। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ सॉल्यूशन, लेट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, हो सकता है पहले करा दिया हो फिर देख लेते हैं। देखिए इसको प्रॉपर फॉर्म में बदल लिए, यानी पावर में चेंज करिए,
इसको अभी पावर में चेंज करिए, एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1/2। अंडर रूट को जब पावर में चेंज करते हैं तो 1/2 हो जाती है पावर, ये आपको याद रखना है, हम बता चुके हैं पीछे भी। डिफरेंशियल दो टर्म में दोनों का करना है, एक्स की पावर 1/2 का, एक्स की पावर -1/2। फॉर्मूला वही, एन एन मीन्स 1/2, एक्स की पावर 1/2 -1। यहाँ एन है -1/2 तो ये माइनस होगा 1/2, एक्स की पावर -1/2 -1। 1/2 में से 1 को माइनस करना है, कैसे करते हैं, 2 बन जाए 2, तो 1 - 2 ये -1, -1/2 -1, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें 2, -1 और -2 -3। इसको पॉजिटिव पावर करना है तो इसको डिवाइड में ले आइए, इसकी पावर भी डिवाइड में ले आइए, तो 1/2। इसको अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, इसको एक्स अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, ये आंसर।